Hello everyone, I'm Sneh, first year MBBA student at GMRS Vadnagar, Gujarat. And this video is specially for all NEET aspirant. So first of all, एक बात हमेशा याद रखना कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो दो साल की जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं होगी. क्या दो साल की जो मैंने मेहनत की है वो वेस्ट नहीं होगी. तो फर्स्ट है कि कैसे स्टडी करनी है, स्टडी में आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है. लाइक आपको यूट्यूब चैनल अभी रिफ़र करनी है तो आप किस सर के पास से आप पढ़ सकते हैं. नंबर तीन के बाद बारे में बात करेंगे एग्ज़ाम पेपर, हर रोज़ कितने एग्ज़ाम पेपर देने हैं, आपको कितने घंटे सोना है. फिर आपको स्ट्रेस भी अभी आ रहा होगा ना, मुझे भी आया था. नॉर्मली थिंग्स है, स्ट्रेस तो आता ही है. अब अभी मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ फिर भी मुझे स्ट्रेस, कभी एग्जाम होती तो स्ट्रेस तो थोड़ा तो आता ही, वो अच्छी बात है. लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रेस हो जाए वो थोड़ी बैड थिंग है. अभी लास्ट के 15 दिन में आपको सोशल मीडिया यूज़ करने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले बात करनी है स्टडी, क्या पढ़ना है. सबसे पहले थिंग्स है, नया मत कुछ ट्राई. अगर आपने नोट्स बनाए तो आप डायरेक्टली नोट्स ही पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो कोई भी आप मॉड्यूल्स, कोई भी आप जहाँ से आप मतलब आप जहाँ से आप पढ़ते हो वहाँ से ही पढ़े, कोई नया ट्राई मत कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे. फिजिक्स एक थिंग्स बताना भूल गए कि अगर आपके पास अभी टाइम कम है तो वीडियो को 2x करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं बताने वाला हूँ कि 15 दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो फिजिक्स में बताना PYQ करो और सिर्फ फॉर्मूले करो, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है. केमिस्ट्री में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्पेशली मार्क कर रहा हूँ कि ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो 12th की जो सेकंड बुक आती है वो तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो बायोलॉजी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और उसके जो डिजीज आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे केमिस्ट्री, विशाल सर अनअकैडमी. फिजिक्स वाला अलग सर. और बायोलॉजी में प्रीफर करता हूँ कि आप अगर वीडियोस ना देखें फिर भी चल जाएंगे, लेकिन अगर वो वीडियो देखते हैं तो आप देख सकते हैं आनंद मनी सर की. अभी आपके कोई भी मार्क आ रहे हो 300, 400, 500 या फिर 600, हर रोज़ एक एग्जाम पेपर सोल्व करना है और नीट की जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर आपको पेपर सोल्व करने हैं. पेपर अटेम्प्ट किया बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर को सोल्व करना. जहाँ पे आपकी गलती हो रही है उसका सॉल्यूशन करो और आपको पता चले कि ये मेरी गलती हो रही है, ताकि 15 दिन के बाद जो आपकी असली एग्जाम है वहाँ पे आपकी गलती ना हो. 6 घंटे तो सोना ही है. लास्ट में ऐसा ना हो कि ज़्यादा पढ़ने के, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा पढ़ लो और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप बीमार हो जाए और पेपर ही आप ना दे पाओ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लास्ट में आपको स्ट्रेस तो 2-3 घंटा पढ़ना है, कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो या फिर गेम खेल सकते हो. मैं पर्सनली गेम या फिर कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ. सोशल मीडिया में तो क्या, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना. मैंने तो इंस्टाग्राम 12th में, मैं जब नेट मेरी क्रैक हुई तभी मैंने इंस्टाग्राम यूज़ किया. इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी अच्छे पेज आते हैं. लाइक उसमें आपको एक पेज में सभी फॉर्मूला दे देते हैं. अभी जब मैं इसके कभी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि 12th में ऐसा भी था, लेकिन मैं यूज़ टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके, तो बस यही याद रखना, एक थिंग समय से याद रखना कि स्टूडेंट्स पे देखा जाता, अभी कुछ नया ट्राई मत कीजिए. जो आ रहा है उसे आप कम्प्लीटली पूरा करके जाइए. और दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस अंदर से रखो कि मेरी 2 साल की जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं होगी और मेरे से नीट होगा ही, कुछ भी हो जाए मेरे से नीट क्रैक हो ही जाएगी. और पेपर का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पेपर तो हर रोज़ आपको एक सोल्व करना है, साथ ही आपको टाइम कम लेना है. लाइक आपको 3 घंटे और 20 मिनट नीट का आपको एग्जाम पेपर है उसमें मिलेंगे, लेकिन आपको 2 घंटे और 30 मिनट से 2 घंटे और 40 मिनट में ही कंप्लीट कर लेना है. पहले कौन सा सोल्व करें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो अभी 2 साल तक एग्जाम पेपर दी मॉक टेस्ट उसमें आपने क्या किया था पता चल गया, बस वही करना है. मैंने फर्स्ट बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स. ऑलमोस्ट अभी 90% बच्चे यही करते हैं.
तो मैंने भी वही किया था पहले से, जब मैं 11th में था, 11th और 12th पहले से मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो आपको पता है ना आपने 2 साल में किया कि बस वही करना, कुछ अभी नया ट्राई करने की जरूरत नहीं। लाइक सबसे पहले आप फिजिक्स सॉल्व करते थे, तो अभी आप बायोलॉजी को शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले फिजिक्स करो बाद में जो करते हो वही। तो बस फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नीट रिलेटेड तो मेरा इंस्टाग्राम इंडल है तेरे स्नैक ऑफ कोर्स। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।